हुआ, किस गोल चक्कर को 15 दिन के अंदर अंदर बना दिया जाएगा। पैसे का संकट था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसे की कमी है, लेकिन क्योंकि मेयर साहिबा ने आग्रह किया कि ये बहुत ही जरूरी काम है और इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, कहीं से भी चाहे बजट की व्यवस्था करनी पड़े वो करनी है, इस तरह का निर्देश हमारी मेयर अनामिका जी ने दिया। ये कार्य जैसे ही शुरू हुआ हमने पोस्ट डाल दी थी कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा कर दिया जाएगा। ये कार्य पूरा हो गया है, 3-4 दिन के बाद ये लोगों के लिए खुल जाएगा, क्योंकि मेयर अनामिका जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी 2-3 दिन तक अच्छे से इसकी तराई करनी है, पानी से तराई करनी है, जिससे कि अगर एक हफ्ते के बाद अगर हवाई जहाज को भी उतारा जाए तो हवाई जहाज इस सड़क के ऊपर उतर सकेगा। तो मैं एक बार फिर भारत के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के प्रति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के प्रति, मेयर श्रीमती अनामिका जी के प्रति, निगम पार्षद श्रीमती वीरेंद्री अवाना जी के प्रति, क्योंकि इनका क्षेत्र है ये, और श्री के शुक्ला जी जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि ये गोल चक्कर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाए, लेकिन क्योंकि अनुमति नहीं मिल रही थी तो ये मजबूरी इनके सामने थी, तो आज ये कार्य पूरा हो गया है। मैं क्षेत्रवासियों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था कोरोना की महामारी आ गई और उसमें कर्फ्यू लग गया, ना ठेकेदार मिलता था ना लेबर थी, और जैसे ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी, निर्माण कार्य को अनुमति दी, 3 महीने के अंदर अंदर ये कार्य पूरा कर दिया गया। यही चुनाव में हमने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर गोल चक्कर के निर्माण का कार्य पूरा करेंगे, ये पूरा हो गया है। आप लोग बड़ी संख्या में हो गया भाई जी, हो गया। मैं एक बार फिर, क्योंकि कल से हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 14 तारीख से हम लोग मनाने का कार्य शुरू कर रहे हैं और 20 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा मोदी जी का जन्मदिन। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल इसकी शुरुआत जयपुर में गुरुद्वारे से भी होगी, सुबह 9 बजे और 10 बजे मैं और हमारी मेयर श्रीमती अनामिका सिंह जी और सभी हमारे सम्मानित जो निगम पार्षद, कल 10 बजे हम गौतमपुरी का जो वृद्ध आश्रम है उसमें मिठाई, फल और कपड़ों का वितरण करेंगे। कल से ही शुरुआत हो जाएगी। भारत माता की जय। ये सेवा का कार्य, ये सेवा का कार्य पूरे एक सप्ताह चलेगा, क्योंकि हमारी जो मेयर है वो महिला भी है। अब आप अनुमति देंगे कि ये नारियल तोड़कर इस कार्य का शुभारंभ करें? अनुमति है अनामिका जी, नारियल तोड़कर शुभारंभ करें। और फिर ब्राह्मण देवता के शुक्ला जी जो है, श्रीमती अनामिका सिंह जो है नारियल तोड़कर, ये निगम जी हमारे हो गया। अब हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती वीरेंद्री अवाना हमारी निगम पार्षद, वो नारियल तोड़ रही हैं और इस कार्य का जो ये पूरा हुआ है उसके लिए जय।
आदरणीय अध्यक्ष जी जो है, श्री रोहतास कुमार एडवोकेट जी नारियल तोड़कर आज के इस कार्य का उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने हाथ लगाया, मैं तोड़ने का काम करता नहीं, जोड़ने का काम करता। विकास पुरुष, अब हमारे निगम पार्षद और ब्राह्मण देवता श्री के शुक्ला जी बगैर ब्राह्मण देवताओं के भी तो जो है ना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। तो आज इस कार्य का ब्राह्मण देवता के शुक्ला जी इसका समाप्त कर रहे हैं। चलो चलिए, हमारे निगम पार्षद हमारे और हैं नारियल नरेंद्र जी ने कर दिया। थोड़ा पीछे इतना बड़ा विकास कार्य पूरा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, आज से 2 महीने पहले मैंने साउथ एमसीडी की मेयर श्रीमती अनामिका जी से आग्रह किया था कि चुनाव में हमने ये वायदा किया था जैसे चुनाव जीतेंगे गोल चक्कर कि जो सड़क कच्ची है, लाखों लोगों को तकलीफ हो रही है, इसको पक्का किया जाएगा। कोरोना महामारी आ गई, सभी कार्यों पर रोक लग गई, कर्फ्यू लग गया। जैसे ही कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिली, निर्माण कार्य करने की अनुमति मिली, हमने फिर मेयर श्रीमती अनामिका सिंह जी को याद दिलाया कि अब निर्माण कार्य करने की अनुमति मिल गई है। इन्होंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने इनको बताया कि इस कार्य को करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार की लिखित अनुमति की आवश्यकता है। इस संबंध में हम आभारी हैं भारत के परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के प्रति और उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति कि जब उनका आशीर्वाद मिला, अनुमति लिखित अनुमति मिल गई। इसकी जानकारी जब मेयर साहिबा को दी गई, उन्होंने 29 तारीख को म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री ज्ञानेश भारती जी को इसी मीठापुर चौक पर बुलाया, फिर मेरे दफ्तर पर बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ क्योंकि अब अनुमति मिल गई है। के शुक्ला जी सभी के प्रति और नगर निगम के जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं ज्ञानेश भारती जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने इससे पहले ये भी बताया कि जैतपुर मोड़ का जाम समाप्त कर दिया गया हमेशा के लिए, ये हमने वायदा किया था। जिंदाबाद। और हमने जिंदाबाद में ये भी वायदा किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर लोहिया पुल बनाकर दे दिया जाएगा। ये तो क्योंकि कर्फ्यू लग गया था, उससे 3-4 महीने डिले हुआ। अब जैसे ही निर्माण कार्य करने की अनुमति मिली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से लोहिया पुल दिवाली तक बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र में जो ट्रैफिक की समस्या, उसका पूरी तरह से उसका समाधान कर देंगे और फिर एक नए विकास कार्य के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ता। सर ये क्षेत्र का जाम क्या हुआ, उसका क्या हुआ लोहिया पुल का? तो जब ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं तो मुझे बहुत ताकत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जब इस तरह की बात आती है तो हमें खुशी होती है। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे थे, मेरे से सवाल करते थे, तो आज उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी। मैं उनको भी और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैम क्या कहना है, पहली बार मेयर बनती, इतना बड़ा विकास कार्य द्रुव जी के साथ मिलकर आपने किया? और अभी रामवीर सिंह जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है और भी जो भी ये दिशा निर्देश देंगे तो वो बदरपुर विधानसभा का जो है इस तरह विकास होते रहेगा। और सभी ये विकास पुरुष जो इनको कहा जा रहा है, और देखिए ये विकास हो रहा है और क्या चाहिए। हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।